इरिप्टा क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर, इरिप्टा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। आपको इंडिया में रिकवर्ड पेपर के बारे में लोगों को कई भ्रांतियां हैं, उसकी कोई महत्व नहीं जानता है। इसको बड़ा अजीब से तरीके से हैंडल करते हैं, केयरलेसली हैंडल करते हैं। उनको लगता है इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई वो नहीं है। हम धीरे धीरे कम्युनिटी में और दूसरे स्कूल्स के थ्रू और अलग दूसरी संस्थाओं से मिलके एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो पेपर आप यूज़ कर चुके हैं अगर इसको सही से हैंडल करेंगे तो इसको हम जो है रिसाइकल करके नया पेपर बना सकते हैं। इससे हमारा इम्पोर्ट की ज़रूरतें भी थोड़ा कम होंगी, कंट्रोल होगा। हमें जो मटेरियल फॉरेन से लाना पड़ता है तो वो थोड़ा कम लाना पड़ेगा और हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अभी हमारा तकरीबन 10-15% मटेरियल जो है वो लोगों की लापरवाही वजह से जो है वो गीले कचरे के साथ चला जाता है या ड्रेन हो जाता है या ख़राब हो जाता है। मतलब कम से कम मेरे ख्याल से ये 20% मात्रा है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि वो अलग अलग प्रोसेस यूज करने के कारण वो दोबारा रिसाइकलेबल भी नहीं होता है। तो हम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं पेपर, जहाँ तक इंडिया के पेपर के यूजेस हैं उसका जो फ्यूचर है वो रिसाइकलिंग में है। अब से 20 साल पहले रिसाइकल पेपर का जो कंट्रीब्यूशन था कंट्री में वो अंदाजा 15% था, जो कि अभी बढ़ के 75 से 78% हो गया। जो हमारे हिंदुस्तान में वो रिसाइकल पेपर है उसमें रिसाइकल पेपर का जो आपस में कंट्रीब्यूशन है इट इज़ अबाउट 78% एंड 22% में जो वुड पल्प मटेरियल्स हैं एंड जो एग्रो बेस मटेरियल है वो 22% के अंदर कवर होते हैं। वेस्ट पेपर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? इसमें चैलेंजेस ये है कि अभी हमारे पास उतनी वॉलेंटियर्स की टीम नहीं है, उतने दूसरे नहीं है। तो हम पेपर इंडस्ट्री के जो दूसरे एसोसिएशंस हैं, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं या जो पेपर मिल एसोसिएशंस हैं, उन सब से एक हमने कनेक्ट किया है आपस में। और जैसे सरकार की संस्था है CPPRI है, इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन है, ये सब लोगों का एक ही प्रोग्राम है। हम लोग आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिलके एक साझा प्रोग्राम चला सके। हमारी एक जो है ये इच्छा भी है कि हम सरकार के पास भी इसको लेके जाएं कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको जो बच्चों के स्कूल होते हैं, क्योंकि देश भर में 50-55 लाख स्कूलों तक इंडिविजुअली पहुंचना बड़ा मुश्किल है, हम पे वॉलंटियर्स की कमी है। अगर ये स्कूल सिलेबस में कुछ पेजेस इसके ऐड हो जाए, क्लास 3 से लगा के क्लास 8 तक या 10 तक वो हर साल में थोड़ा थोड़ा एडवांस जो हो जाए तो लोग जान पाएंगे। जो रिकवर्ड पेपर है जिसको कि हम लोग वेस्ट पेपर के नाम से जानते हैं, ये बड़ा डेलिकेट है। एज सून एज ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बल्कि एनवायरमेंट को ख़राब करता है, गैसेज छोड़ता है, ये करता है। तो हमें इसको थोड़ा बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना है ताकि ये गलत कचरे में ना जाए, नालियों में ना जाए, सड़कों पर ना जाए और इसको हम रिसाइकिल के लायक बना सकें। तो हम लोग कई संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग लेके चल रहे हैं। आने वाले कुछ समय में हो सकता है हम सरकार से भी कनेक्ट में हो जाए, मिनिस्ट्री से भी कनेक्ट में हो जाए और गवर्नमेंट की हेल्प मिलेगी तो हम शायद ज़्यादा वाइडली लोगों को बता पाएंगे। एक सोशल मीडिया की भी हमें सपोर्ट चाहिए, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, अगर वो सब मिलके आपस में हम लोग कुछ वॉलेंटियरली काम करेंगे तो देश में धीरे धीरे 1-2 साल में मेरे ख्याल से सभी लोग अवेयर हो जाएंगे और बड़ा निकट भविष्य में हम शायद पेपर मिलों को विजिट करके कुछ मतलब जो है वीडियोज़ बना के लोगों को ये बताना चाहते हैं भी देखो जो आपके यहाँ वेस्ट पेपर था उसका कैसे पेपर बन गया। यदि पेपर मिल एसोसिएशंस और अदर एसोसिएशंस ट्रेड बॉडीज आपके वेस्ट पेपर प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाते हैं तो आपके अनुसार कितना वेस्ट पेपर इम्पोर्ट कर सकता है?
वैल्यू में तो बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे समझता अगर हम लोग जो है सब जो बॉडीज आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, हम पेपर ट्रेडर्स को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और जो जो बेसिकली कन्वर्टर हैं, पेपर कन्वर्टर हैं, पब्लिशर्स हैं, प्रिंटर्स हैं एंड बॉक्स मेकर्स हैं, उन सब लोगों से हम धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर सब मिल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें तो मुझे लगता है कि हम 5-10% तक जो है कुछ अपनी बचत कर पाएंगे इम्पोर्टेड। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इंडिया में चूंकि बार बार पेपर रिसाइकिल होता है और एक पेपर को हम 6 बार तकरीबन रिसाइकिल कर सकते हैं, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ नया वर्जिन पल्प की ज़रूरत होती है ऐड करने के लिए, जो कि 25-30% होते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और जो क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ पेपर की मेनटेन रह सके, सस्टेन रहें। उसके लिए हमें ज़रूरी है तो हम वुड पल्प उसमें ऐड करें, या जो है कुछ मटेरियल इम्पोर्टेड मटेरियल को उसमें बीच में मिक्स करें। इट इज़ दी मैंडेटरी प्रोग्राम कि कुछ मटेरियल मिलाने से जो है पेपर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, तो हमें कुछ तो इम्पोर्ट करना ज़रूरी है। वो वर्जिन क्वालिटी के पल्प का बना हुआ वन टाइम यूज पेपर होता है, तो हमें इम्पोर्ट तो करना ज़रूरी है, पर उसकी क्वान्टिटी हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जो मिक्स टाइप के वेस्ट है या जो कम फाइबर वाले वेस्ट है, उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर अपनी एनहांस करके। अगर लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रोग्रामिंग लेंगे, तो हम अपनी चीज़ को एनहांस कर पाएंगे। इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर का सीनेरियो क्या देख रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको आप कैसा देखें? सर ये 2023 का जो ईयर था, ये राउंड दी है पूरा साल ही जो है पेपर इंडस्ट्री और वेस्ट पेपर पीपल जो है नॉट ओनली इन इंडिया बट डोमेस्टिक इंटरनेशनली सभी जगह बड़ा डिस्टर्ब रहा है। हमारी मार्केट डोमेस्टिक भी जो है ना वो इंटरनेशनल के हिसाब से चलती है, मतलब जो वेरिएशन जो होते हैं इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर के प्राइसेस पे डिपेंडेंट हैं, और ये रेगुलरली फ्लक्चुएट कर रही है। ये अप्रैल मई जून में मिनिमम पर थी, उसके बाद थोड़ा हाइक हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ। अभी विंटर सीज़न हमारे सामने आ रहा है, यूरोप में यूएसए में कुछ छुट्टियों का भी सीज़न आने वाला है दिसंबर में, तो इस समय शिपमेंट्स वगैरह भी कम हो जाती हैं। इंडिया में भी ज़्यादा ठंडी होने से कलेक्शन लेवल जो है 30-40% कम हो जाता है, तो इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइसेस भी ऐसे आने वाले समय में जैसे दिसंबर शुरू हुआ है कुछ प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं मार्केट में, और मेरा ख्याल है दिसंबर जनवरी में थोड़ा मार्केट ज़्यादा टाइट रहेगा। जनवरी ऑनवर्ड जो है वाइट ग्रेड के मटेरियल का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इंडिया के जो एकेडमिक सीजन है जो कि 24-25 के लिए आएगा, स्कूल के टेक्स्ट बुक हैं, स्कूल के बच्चों के लिए नोटबुक्स हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड पेपर है, और जितने भी दूसरे इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो वाइट ग्रेड की मटेरियल की बढ़ने वाली है। तो जनवरी से उसका सीज़न शुरू होने से मुझे लगता है वाइट ग्रेड के वेस्ट पेपर और वाइट ग्रेड के फिनिश पेपर दोनों में मेरे ख्याल से कुछ रेट बढ़ने के चांसेज है, एनहांसमेंट के चांसेज हैं। क्राफ्ट पेपर मार्केट का क्या सिनेरियो देख रहे हैं और क्या डिमांड उठेगी या गिरेगी आने वाले टाइम में? सर ऐसा है कि क्राफ्ट पेपर की मार्केट जो है वो एक स्टेबल मोड में चल रही है पिछले 3-4 महीने से, और आने वाले जो नया साल है 2024, हमें मुझे पूरी उम्मीद है चूँकि मार्केट में एक मूवमेंट है, इंडिया की इकोनॉमी भी फास्ट मूविंग है, यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, पैकेजिंग डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लोग अवेयर भी होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फरवरी के बाद जो आने वाला सीज़न आएगा तब से दोबारा जो है जैसे हमारी नेचुरल ग्रोथ 6-7% है, तो मुझे लगता है क्राफ्ट की ग्रोथ भी अकॉर्डिंगली 6-7% बढ़ के कुछ मतलब फरवरी मार्च के बाद मार्केट थोड़ा एक अच्छे मोड में चलना चाहिए। ओवर कैपेसिटी ने पेपर मिल के ऑपरेशन को प्रभावित किया है, जैसे कि क्राफ्ट पेपर में 6-7% की डिमांड है, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो ये ओवर कैपेसिटी है वो कुछ सालों में एब्जॉर्ब हो जाएगी? सर जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं और धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है, तो जैसे जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम होगा, पेपर की डिमांड बहुत से सेगमेंट्स में बहुत पड़ गई है, ख़ासतौर से ई कॉमर्स जो मार्केटिंग है उसमें भी पेपर पैकेजिंग बहुत बढ़ गई है डिलीवरीज के लिए और दूसरे सब चीज़ों के लिए, एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक जहाँ पर चेंज हो रहा है वहाँ पर कैरी बैग
टैक्स एंड दूसरे सब प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में क्राफ्ट पेपर की डिमांड बढ़ेगी। डेफिनेटली इंडिया में इस समय ओवर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, परंतु वो भी आने वाले 1 से 2 साल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अभी भी बहुत सारी नई पेपर मिलें आ रही हैं, जो पेपर मिलें क्वालिटी प्रोडक्ट बना पा रही हैं और अप टू दी स्टैंडर्ड ऑफ दी फॉरेन बना पा रही हैं, उनकी वो हमेशा टिकी रहेंगी, जो प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल बना रही हैं एंड या स्पेशल पेपर्स बना रही हैं, उनकी मार्केट में ना कभी डिमांड कम हुई थी ना होगी। लेकिन जो मिलें जो अभी पुराने ट्रेडिशन से चल रही हैं, छोटी मिलें हैं जिनका प्रोडक्ट उतना नहीं है, मतलब क्वालिटी प्रीमियम नहीं है, उनको थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी इस समय थोड़ा कमज़ोर है, इस समय डिमांड भी कमज़ोर है, पैसे का फंड भी नहीं आ रहा है। पर आने वाले साल में मुझे पूरा लगता है, जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है उस सबको देखते हुए, आने वाले साल में डेफिनेटली क्राफ्ट की मार्केट थोड़ा इम्प्रूव करेगी फरवरी मार्च के बाद। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोप में और अदर कंट्रीज़ में नई नई कैपेसिटीज़ आ रही हैं जो कम रेट में इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर लेकर रिसाइकल पेपर को बना रही हैं या बनाएंगी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बड़ी कैपेसिटीज़ इंडिया में अपना सस्ता क्राफ्ट पेपर सप्लाई कर सकती हैं? सर, जो है लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम हर जगह है, हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे क्वालिटी क्राफ्ट की बहुत अच्छी बनती जा रही है, और अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों में प्रोडक्शन के दरमियान थोड़ा कॉस्टिंग हम लोगों को ज़्यादा पड़ती है, पर इम्पोर्टेड क्राफ्ट जो है ना, जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का, वो तो डेफिनेटली इम्पोर्ट होता भी रहेगा। पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो है, चूँकि प्राइसेस कम होते हैं, इस समय एक बड़ा स्ट्रगल चल रहा है डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड के बीच में कि क्वालिटी भी मेंटेन करना है, प्राइस को भी सस्टेन करना है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजीज इतना इम्प्रूव हो गई हैं इंडिया में भी कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, कभी 1.5-2 साल पहले या 1 साल पहले इंडिया से काफ़ी सारा क्राफ्ट पेपर स्पेशली फ्रॉम गुजरात पोर्ट से है, वो एक्सपोर्ट हो रहा था। जो गुजरात की जो पेपर इंडस्ट्री है क्राफ्ट की, वो इस समय थोड़ा सफ़र कर रही है, क्योंकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे आई बिलीव कि आने वाले समय में दोबारा से जो है गुजरात के जो इंडस्ट्री है, मोरबी, राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, मेहसाणा, ये सब लोग जो है मेरे ख्याल से दोबारा वापस जो है एक्सपोर्ट के ऑर्डर ले पाएंगे। अभी पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, स्पेशली चाइना, इंडोनेशिया में परचेजिंग पेपर की कम हो गई है, तो मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट स्लो डाउन होने की वजह से थोड़ा वहाँ पर जो है माल एक्सेस हो गया है, पर उसके बावजूद भी फिनिश क्राफ्ट का इंडिया में अराइवल बहुत कम है, सिवाय एक्सपोर्ट, मतलब जो स्टॉक लॉट होते हैं उसके अलावा ज़्यादा मटेरियल नहीं इम्पोर्ट होता है। आपके वेस्ट पेपर ट्रेडिंग में GST को लेकर क्या क्या ग्रेवेंसेस हैं? सर, पिछले कुछ दिनों से कैसा क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इरिप्टा के डीलर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मटेरियल खरीदते हैं और धीरे धीरे फाइनली जाके ये इंडस्ट्री पे ख़त्म होता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो भी आखिर में एंड यूजर है, जैसे पेपर मिल है या पेपर मिल से जो नीचे वाला सप्लायर है, सब लोग हम पूरा टैक्स जमा कर रहे हैं, GST पेपर मिल वाला सप्लायर को दे रहा है, सप्लायर आगे जिससे माल खरीदता है उसको दे रहा है, पर चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मटेरियल आता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से माल आता है, तो कुछ नीचे लेवल के वेंडर जो है वो फेक बिलिंग करते हैं या बंद कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, 2017-18 के केसेस GST के हो रहे हैं, और जो है मिल वालों के पास नोटिस आ रहे हैं कि फलानी पार्टी का टैक्स जमा नहीं हुआ, उसको दे दो आप। टैक्स जमा करने के अलावा एक इंसल्ट फील हो रही है पेपर इंडस्ट्री को भी और सप्लायर्स को भी, जो हमारे ट्रेड में जितने बड़े वेंडर हैं उनके पैसे दोबारा से काटे जा रहे हैं जो कि उन्होंने पहले दिए हुए हैं, और एक जो पेमेंट भी हमने किया हुआ उसके बाद भी लोग समझते हैं शायद हमने टैक्स की चोरी की है, जबकि टैक्स हमने इन फुल पे किया है, पेपर मिल ने हमको दिया है, हमने आगे लोगों को दिया है, परंतु वो छोटे वाले वेंडर्स ने बंद कर दिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और अपने इंडस्ट्री के दूसरे सहयोगियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सरकार के पास मिलजुल के एक जो है अपना रिप्रेजेंट
प्रेजेंटेशन दें कि जो मटेरियल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदा जाता है, घर से घर में से खरीदा जाता है और थोड़े थोड़े वेंडर्स के थ्रू होते हुए इंडस्ट्री में पहुंचता है, उसमें जीएसटी में रिवर्स चार्ज के लिए मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, जो फाइनल एंड यूज़र है वो पूरा टैक्स एक साथ सरकार को दे दे और नीचे वालों को जो है वो जीरो टैक्स के हिसाब से हम खरीदते रहें। जो ट्रांजिट होते रहे, शुरू में हमने बगैर टैक्स खरीदते जाए, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड लोग हों और आखिर में फाइनली पेपर मिल वाला जितना मटेरियल परचेज करे उसके लिए वो जीएसटी चुका दें, ताकि उससे इस प्रकार की मतलब कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि भी इसका टैक्स जमा नहीं था उसका। आमतौर पे जो असेसमेंट हो रहे हैं जीएसटी के वो 5 साल के बाद हो रहे हैं, लंबा समय है। उतनी देर में बहुत से लोग अपनी फर्म को अपनी जो है यूनिट को बंद करके चले जाते हैं और टैक्स जमा नहीं करते हैं। उसको हमें पहचानने का भी कोई तरीका नहीं। ये इस समय हमारे ट्रेड में सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को पैसा भी भरना पड़ रहा है और बदनामी भी होती है, उनको लगता है कि शायद हम टैक्स चोर हैं। तो इसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, अगर आप हमारी बात आपके माध्यम से पहुंच जाएगी सरकार पे, हम खुद भी निजी लेवल पे रिप्रेजेंटेशन देंगे कि जो हमें रिवर्स चार्ज में डाला जाए और आखिर में जो हमारा लास्ट वाला आदमी है वो टैक्स जमा कर दे, या इसके लिए कोई बेहतर उपाय बताएं जिससे हमको हमारी जिम्मेवारी जो है लिमिट तक लायबल हो जाए। जैसा कि इप्टा का रिकग्नाइजेशन तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो अगले 10 साल के लिए इरिप्टा के क्या क्या अचीवेबल माइलस्टोन्स हैं? इसके अलावा क्या इरिप्टा भविष्य में इंटरनेशनल मेंबर्स को भी ऐड करेगा अपनी एसोसिएशन में? सर, जो रिकवर्ड पेपर का ट्रेड है ये ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ चुका है, पर जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं मतलब वहाँ से इंडिया में माल भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो इंडिया में इंपोर्टर्स हैं या इंडेंटिंग एजेंट्स हैं वो प्रॉपरली जो है अभी हमारी एसोसिएशन से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारा तो खुद का बहुत डीपली इंटरेस्ट है कि जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं वो भी हमारी संस्था के सदस्य बने, ताकि हम लोगों के बीच में एक बेटर कनेक्ट हो और हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाएं।